हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासी। तो जैसे हम टीजीटी साइंस के पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का हमारा रहेगा पार्ट फोर। ईयर है हमारा 2021। तो इसी के साथ हमारे 21 वाला 22, 23 और 17 चार पेपर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तीन ही पेपर हमारे रहेंगे, तो वो हम देख लेंगे आगे की वीडियोज में। तो आज हमारा रहेगा ईयर 21 का 46 क्वेश्चन। यहाँ पे 1 to 45 क्वेश्चन वो हम पहले डिस्कस बस करके आ चुकी हैं। तो क्वेश्चन 46 में हमसे क्या पूछा गया है, द एडेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज। जो प्रोसेस होता है ना ट्रांसलेशन का, उसमें एडेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा होता है। तो बायो के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको लर्निंग बेस्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा TRNA होता है इसमें, तो हमारा ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 47, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइन विद इम्प्योरिटीज टू फॉर्म ए ब्लैंक फ्यूजिबल प्रोडक्ट। कि जब स्मेल्टिंग होती है ना, तो वहां पे एक सब्सटेंस हमें मिलता है जहां पे क्या होगा, वो इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, स्लैग। तो ऑप्शन 2 है वो वहां पे करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन 47। उसके बाद क्वेश्चन 48, ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड एल कैरीज ए करंट आई। कि एक स्क्वायर फ्रेम है, वहां पे क्या उसकी साइड कौन सी है, एल है, उसमें करंट कितना है, आई है। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज बी। जो हमारी स्केयर है ना, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो है बी। द सेम करंट इज पास थ्रू ए सर्कुलर कोयल हैविंग द सेम पैरामीटर एज द स्केयर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि उतना ही करंट हमें कहाँ पे पास करना है, एक सर्कुलर कोयल में, जिसका सेम पैरामीटर होगा जितना की स्केयर है। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे स्केयर का जो डायमीटर पैरामीटर है वो किसके इक्वल होगा, सर्कल के पैरामीटर के इक्वल होगा। तो हमें क्या बताना है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कोयल इज बी डैश। जो कोयल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी डैश है, और जो स्केयर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। तो हमें रेशियो बताना बी बाई बी डैश का, मीन्स स्केयर से हमें सर्कल का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास ये स्केयर हमने ली, तो यहाँ पे इसकी लेंथ है एल। ये वाला फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, ये रहेगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल है आपका क्लास 11th 12th का। तो यहाँ पे ये हाई लेवल का न्यूमेरिकल है, तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ना जो सेंटर पे, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास म्यू फो, यहाँ पे क्या होता है म्यू नोट आई रूट पाई बाई एल होता है। अब हमारी स्केयर की कितनी साइड है, 4 साइड है। तो यहाँ पे हमने इस वाले फॉर्मूले में 4 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ से इसको हम ऐसे तोड़ेंगे जब 4 को 2 2 में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट 2 से ये कैंसिल होकर ये 2√2 आ जाएगा। ऐसे हमने स्केयर का है वो निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड। अब हम चलेंगे सर्कल पे, तो सर्कल हमारी रेडियस कितनी है, आर का है। तो इसकी जो पैरामीटर होगी वो क्या होगी, 2πr। और यहाँ पे इसका जो स्केयर का पैरामीटर होता है वो होता है 4 × साइड। तो यहाँ पे 4L हो गया, तो यहाँ से हमने R की वैल्यू निकाली, तो ये आ गई हमारे पास 4L/2π। और यहाँ पे सर्कल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2R। और यहाँ पे हमने R की वैल्यू को डाला, तो म्यू नॉट आई एज इट इज 2 एज इट इज, R के प्लेस पे क्या आ गया, 4L/2π। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया, तो ये आया म्यू नॉट आई पाई डिवाइड बाई 4L। तो यहाँ पे हमारे पास बी डैस की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो हमने बी बाई बी डैस रखना है। तो यहाँ पे बी हमने ऊपर रखा और ये बी डैस है, तो बी डैस में ये वाली चीज यहाँ पे नीचे आई और 4L है ऊपर चला जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 8√2/π². तो हमारा ऑप्शन 1 है वो यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 49, विच ऑफ फॉलोइंग साल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कौन से सोल्ट में नहीं होंगे। तो देखो, ब्लू विट्रोल हम किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो यहाँ पे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। उसके बाद आता है वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.NH2O। तो यहाँ पे भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CuSO4.2H2O। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, H2O है। उसके बाद बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो यहाँ पे कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, यही हमसे पूछा गया था। तो जो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 15, ए फ्री न्यूट्रॉन डिकेड स्पॉन्टेनियसली इन ए प्रोटोन। न्यूट्रॉन से हमें क्या मिल रहा है, प्रोटोन, और एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो साथ में एक पार्टिकल और हमें मिलेगा, वो क्या मिलेगा, तो वो हमें मिलता है एंटी न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 51, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी, बीटी मींस बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस स्ट्रेन। तो इनके भी इसके बारे में क्या सही होगा, बीटी स्ट्रेन के बारे में, द कंसर्न्ड बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन्स। कि इसमें क्या होते हैं, एंटीटॉक्सिन्स होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। द बीटी स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइडिंग नोवल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। कि जो ये बीटी स्ट्रेन्स होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट के लिए यूज होते हैं। तो ये बात सही है, ये वाली भी बात फिर हमें सही बताना था, एक सही हमें मिल गई, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाले ऑप्शन है, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एक्टिव
टॉक्सिन इन द बैसिलस, ये एक्टिव टॉक्सिन के जैसे काम नहीं करता, इसका जो काम होता है वो पैसिव होता है. तो द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ओवरीज ऑफ द पेस्ट टू स्टरलाइज इट एंड दस प्रिवेंट इट्स मल्टीप्लीकेशन. तो ये वाली चीज भी गलत है, ऑप्शन टू है हमारे पास, वो सही हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन 52, द करेक्ट मैच इज नींथेंस बोट्राइडल टिश्यू, यहाँ पे है चाइटोप्टरस लगवोम अर्थवोम सकर्स हेट्रोनेरेसिस एसेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस. तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज है ना, ये भाइयों के क्वेश्चन है आपको, और ये अगर पता है तो आप बता पाओगे. देखो इसीलिए बोलती हूँ कि पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पे अपनी अच्छी खासी कमेंट बना लो, तो अगर बायो का पोर्शन आपको ना भी आए ना, तो एटलीस्ट आपसे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन है वो अच्छे से हो जाए, और आपके 35-40 मार्क्स भी आ जाए, और कॉमन पर्सन आपका ठीक ठाक सा है तो भी आपका एग्जाम है वो निकल जाएगा. तो यहाँ पे उसका ऑप्शन 4 सही रहेगा. इसमें तो जो नाम भी होते हैं ना वो भी अजीब होते हैं, और इनका एंड टाइम पे हमें हमारे माइंड से ये चीजें है ना वो स्किप हो जाती हैं. तो फिर भी अगर आपको बायो अच्छी आती है तो फिर आप इनको जा सकते हो उसके लिए. क्वेश्चन 53, ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 किलोग्राम इज हीटेड इन ए फर्नेस टू ए टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस. एक कॉपर का ब्लॉक है जिसका मास इतना दिया गया है, हमें एक फर्नेस में हीट करना है इतने टेम्परेचर पे. देन प्लेस्ड ऑन ए लार्ज आइस ब्लॉक, उसके बाद क्या है, एक आइस का ब्लॉक है उस पे वो कॉपर का ब्लॉक हीट करके है ना पुट कर दिया जाता है. तो हमें बताना कि कितनी आइस मेल्ट होगी, तो कितनी आइस वहां पे मेल्ट होगी. तो यहाँ पे देखो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू एम इंटू में ये हमारे पास क्या है, हीट है. और देखो यहाँ पे जितनी हीट कॉपर पे हुई होगी ना, जितनी हीट कॉपर से निकली होगी उतनी ही हीट किसको पिघलाने में यूज हुई होगी, जो हमारा आइस का क्यूब है. तो सेम चीज हो गई कि जितनी हीट कॉपर से निकली उतनी ही हीट ने उसको मेल्ट किया होगा आइस ब्लॉक को. तो यहाँ पे हमारे पास हीट का फॉर्मूला एक बार तो क्या हो गया, एम इंटू में स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई में डेल्टा टी. तो यहाँ से हमने हीट वन निकाली, यहाँ से क्या हो जाएगी ये 2.5, क्योंकि मास की वैल्यू है 2.5 किलोग्राम है, और यहाँ पे हमें ग्राम में बदलना है तो हमें 10^3 से मल्टीप्लाई किया है. उसके बाद है स्पेसिफिक हीट जो 0.5 है, और टेम्परेचर कितना है 500 डिग्री है. तो यहाँ पे हमने इन सारी वैल्यूज को रखा. उसके बाद यहाँ पे हमारे थीटा टू पे, यहाँ पे हीट टू पे जितनी हीट यहाँ पे मिली होगी हमें उतनी ही वहां पे उसको मेल्ट करने में यूज हुई होगी. तो यहाँ पे एम और एल कितना उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे पिघला होगा. तो ये वाली चीज है हीट ऑफ फ्यूजन. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 400 जूल पर ग्राम. यहाँ से हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल डाल सकते हैं, तो ये इक्वल हो गई. तो यहाँ से इस वाली वैल्यू को जब हमने इसके इक्वल रखा तो ये 400 डिवाइड में आ गया. यहाँ पे 2.5 था तो इसके लिए 10 हमने ले लिया, 0.4 था तो इसके लिए 10. जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये आएगा 1250 ग्राम्स, और जब हम किलोग्राम में बदलेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.25 किलोग्राम. क्वेश्चन 53 का ऑप्शन 1 वह है वो सही हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन 54, ए बनियान ट्रीज लाइफ टाइम इज 300 ईयर्स, कि जो हमारा बनियान का ट्री है ना उसका लाइफ टाइम 300 ईयर्स है. इफ ए फुली ग्रोन बनियान ट्री इज बर्नड इन ए थर्मल पावर प्लांट, कि एक मतलब पूरी तरह से उगा हुआ जो बनियान ट्री है उसको थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है, जलाया जाता है. तो वहां पे क्या होगा, टू जनरेट एनर्जी, एनर्जी से मिलने लेने के लिए. एंड एट द सेम टाइम ए न्यू ट्री इज प्लांटेड, उसी टाइम पे देखो एक पहले वाला बनियान ट्री था वो जो फुली मतलब अच्छी तरह से उग चुका था तो उसको जलाया गया, वहां से एनर्जी मिली, और उसी टाइम पे एक नया प्लांट लगाया गया. तो हमें बतानी है कि कौन सी सही स्टेटमेंट होगी. तो द प्रोसेस इज कार्बन न्यूट्रल इन इमीडिएट टाइम फ्रेम, तो जो हमारा प्रोसेस है ना वो एकदम से कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा. तो ये वाली चीज तो नहीं हो सकती ना, एकदम से कार्बन न्यूट्रल तो वो नहीं होगा, कुछ ना कुछ पोर्शन है वो कार्बन का उसमें रहेगा. द प्रोसेस विल बिकम कार्बन न्यूट्रल ओनली आफ्टर मैनी ईयर्स, तो सही बात है कि बहुत सारे साल लग जाएंगे उसको कार्बन फ्री होने के लिए. देयर इज नो कार्बन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, तो ये वाली बात गलत है, यहाँ पे कार्बन तो इन्वॉल्व होती है. देयर इज नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होती है. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन 55, ए बाल एक्स इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू, एक बाल है एक्स वो उसको ऊपर फेंका गया है, स्पीड है उसकी यू. एट द सेम टाइम अनदर बाल वाई इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, और एक देखो एक तो ये बाल हमने ऊपर फेंकी है, एक उसी टाइम पे ऊपर से किसी ने एक बाल नीचे फेंकी है एच हाइट से. तो हमें बताना है स्पीड रिलेट एक्स की किसके रिलेटेड में, वाई के. तो वो हम कैसे बता सकते हैं, देखो एक्स की स्पीड बतानी है किसके रिलेशन में, वी के वाई के. तो ये हमारी हो जाएगी रिलेटिव स्पीड. अब हम इन दोनों के निकाल लेते हैं.
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी आपका क्लास 10th का है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे देखो वी एक्स इज इक्वल टू यू, यहाँ पे हमने बॉल को ऊपर की साइड फेंका है तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यू माइनस में जी टी, तो यहाँ पे हमने ये लिखा। उसके बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां पे ऊपर वाली बॉल को हमने रेस्ट से नीचे फेंका था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और ये हो जाएगा जी टी, तो वी वाई की वैल्यू क्या आई जी टी, लेकिन यहाँ पे क्या है इस वाली एक बॉल हमने ऊपर फेंकी है, दूसरे वाली बॉल को हमने नीचे फेंका है, तो इनमें से हमें एक को माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि क्या होगा यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने यहाँ पे इसको ले लिया माइनस के जी टी, तो यहाँ पे क्या होगा वी एक्स माइनस वी वाई, तो यू माइनस जी टी इसकी वैल्यू थी और माइनस इस फॉर्मूले वाला, और वी वाई को हमने माइनस जी टी क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे एक बॉल ऊपर फेंकी थी तो सेकंड वाली नीचे, मीन्स वहाँ पे उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट थी, तो यहाँ से जी टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे यू बचेगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 56, ब्यूरे टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, जो ब्यूरे टेस्ट है वो किसकी प्रेजेंस के लिए यूज किया जाता है, तो वो प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए टेस्ट किया जाता है, तो क्वेश्चन 56 का ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 57, ए रेनबो हैज ए सर्कुलर शेप बिकॉज ऑफ, ये वाला जो रेनबो होता है उसकी सर्कुलर शेप होती है, क्यों होती है क्योंकि देखो अर्थ से तो रेनबो बनता नहीं, बनता है बारिश से, इतना हमें पता है, तो इट मींस क्या कि वहां पे किसका रोल रहा होगा, जो हमारी बारिश की बूंदे हैं उनका होगा, तो हमारी जो रेन ड्रॉप्स होती है वो स्फेरिकल होती है, इसीलिए जो उनकी शेप है वो सर्कुलर है, बाकी अर्थ स्फेरिकल से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सन से भी नहीं आएगा, और अपनी आंखें स्फेरिकल होती है ऐसा भी नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन 58, मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलुस्का, मोलुस्का में रेस्पिरेशन का मोड क्या होता है, तो हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रोंकाइल और पल्मोनरी, तो बी और सी सही हो जाएगा, बकर रेस्पिरेशन इसमें नहीं होता, तो ऑप्शन 3 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 59, सेलेक्ट द पेयर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेंड फ्रॉम स्टेम ऑफ ए प्लांट, स्टेम प्लांट की स्टेम से हमें कौन से फाइबर ऑब्टेन होते हैं, तो फ्लैक्स एंड जूट, तो क्वेश्चन 59 का ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 60, जो कि आज की वीडियो का है लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, हमें क्या करना है इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और जो सही स्टेटमेंट है उसको बताना है, तो हमें असर्शन क्या लिया हमने यहाँ पे, देखो ये मैंने तब लिख दिया था, तो यहाँ पे असर्शन ये वाला है, पेरेंचाइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट बॉडी, जो पेरेंचाइमा होता है वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है प्लांट बॉडी में, तो ये बात सही है। इसका रीजन क्या दिया गया कि पेरेंचाइमा इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू, कि वो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है इसलिए अबंडेंट होता है, तो ये बात नहीं है, ये बात सही है कि वो सिंपल टिश्यू होता है, और ये बात भी सही है कि मोस्ट अबंडेंट होता है, लेकिन ये आपस में रीजन नहीं है कि असर्शन ये था तो इसका रीजन ये नहीं है कि ये सिंपल होता है इसलिए अबंडेंट होता है, तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन 2 है हमारा वो सही हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा 21 वाला पेपर है वो भी कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे 20 वाला, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।